brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. हरियाणा में लोकसभा चुनाव को 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है और आज हम जानने के लिए निकले हैं फरीदाबाद लोकसभा की जनता का मूड और इसी के चलते हम होडल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। हमारे साथ यहां की जनता है, जानते हैं उनसे कि क्या यहां के मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पर वो कौन से नेता को वोट करेंगे। जी, बात करते हैं यहाँ लोगों से। नाम बता दीजिए आप अपना। नाम छोटे है जी। क्या काम करते हैं आप? ग्रामीण चौकीदार हैं। अच्छा, क्या माहौल है? 25 तारीख को चुनाव है, यहाँ क्या माहौल है? देखो जी, कोई बीजेपी की कह रहे हो, कोई कांग्रेस की कह रहे हो, कोई काई तजड़े हुए हो, कोई काई तजड़े हुए हो। आपका मन क्या है? हमारा तो मन ये है, जैसे जनता देगी वैसे हम दे देंगे। क्या दिमाग में क्या मुद्दा सोच के रखा है कि उसके आधार पर वोट दिया जाएगा? आधार कार्ड के तो बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी मोदी को नाम पर वोट होगी यहाँ? मोदी के नाम पर। और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। जी, नाम क्या है आपका? तेजपाल है। तेजपाल जी, क्या काम करते हैं आप? मैं चौकीदार जी हूँ गांव के। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ, किसको वोट दे रहे हैं लोग? आपका आपका मानना क्या? वोट तो आपको छोटा लाग दे रहा है, वो कांग्रेस की और इसके बीजेपी की और भी ठाड़ी जनता को पता ना पड़ा, विश्वास कोई नहीं है। आपके दिमाग में क्या है, आप किसे वोट दोगे? हमारे तो वाक ये हुआ कि गुजर की कृष्णपाल की, भाजपा की सरकार के पीछे है हम तो। अच्छा, हाँ बात यू है जी। ठीक है, और लोग हैं हमारे साथ। जी अंकल, नाम क्या है आपका? रूपचंद। क्या काम करते हैं आप? भट्टे मुनी में। भट्टा है आपका? भट्टे मुनी में। अच्छा, मुनी में। हाँ जी। क्या माहौल है यहाँ, किसको वोट दे रहे हैं आप? माहौल है सो जी, जो जो सरकारी वे वे तो देंगे दबाव में मोदी के में, बाकी मोदी का फैक्टर कोई नहीं है यहाँ। कृष्ण पूजा महेंद्र प्रताप सिंह, कांग्रेस का माहौल बना हुआ है यहाँ। नहीं, मोदी को लेके नाराज़गी है या किसको आप? हम तो हमारी तो मोदी से ही पहले, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, बहुत ना चल रही झूठ की राजनीति, बहुत ना है कि झूठी राजनीति नहीं चलेगी। इसको उखाड़ फेंकना देश से ही, यहाँ से ना देश से उखाड़ फेंकना है। होडल की बात करें तो क्या विकास कर रहे हुए हैं यहाँ? यहाँ कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई परसेंट 1% विकास नहीं है। किशन पाजी के वो दिखाई देते नहीं है हम क्षेत्र में। कबू वो तो बहुत दौरा करते हैं पलवल के इलाके का। हाँ, किया होगा। कोई दौरा ना करें, किया होगा, हमने देखा नहीं एक बार भी। जी, नाम क्या है आपका? बबली प्रधान। बबली जी, क्या माहौल है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ आपके जो वोट करेंगे आप? देखो जी, माहौल यहाँ एक तरफा है, यहाँ महेंद्र प्रताप जी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि 10 साल से जो उनकी उस राजनीति हम झेल रहे हैं, इसी 10 साल में हमारे ऊपर टोल है, जो हम 60 किलोमीटर के दायरे में आते, दो दो टोल हम पे थोप दिए। ये जनता वैसी बेरोजगारी है, कहाँ से दे? उसके बाद आ जाओ आप सफाई पे, तो अगर कहीं भी आप खुद कैमरा लगा लो, कहीं भी सफाई, आप यहाँ भी खड़े हो तो देख लो क्या सफाई है। ना तो कोई नालिया ही साफ है, ना कोई लाइट ही है, ना कोई, अगर थोड़ी सी भी बरसात आती है, आज हो सकता है बरसात भी आए, मौसम ऐसा ही हो रहा, उस पर देखना आप, दो दो तीन तीन फुट का पानी हो जाता है सड़क के ऊपर। यदि सेंटर में वो बैठे हैं, स्टेट में वो बैठे हैं, उसके बाद भी सफाई नहीं है, तो फिर ऐसी सरकार का मर जाना बढ़िया है जीने से। तो ये आम ये टैक्स इतने थोपे जा रहे, रिन्यूअल की फीस आप देखो, मंडी में देखो क्या अत्याचार मचा हुआ है ठेकेदारों का, कहीं भी आप किसी से भी पूछ लो ये नहीं। अब तो मन ऐसा बना लिया है कि महेंद्र प्रताप जी को आगे लाना है और इनसे निजात दिलानी है। अग्निवीर योजना को देख लो, 4 साल के लिए जो चलाई है, 4 साल में बच्चा सेट होता है, उसकी कोई ब्याह सगाई भी होंगे और 4 साल बाद वो रिटायर होकर अपने घर आ जाएगा, तो वो क्या करेगा ऐसी अग्निवीर में और ऐसे उसमें लग के? आप बताओ, उसका भविष्य ही सारा खराब हो गया, ना तो वो इधर का ही रहा, ना वो बिजनेस का रहा, ना वो नौकरी का रहा, और ओवर एज हो गया, वो ख़त्म, उसका सिस्टम ही ख़त्म सारा। तो ये है कि यहाँ तो भैया महेंद्र प्रताप जी का माहौल बना हुआ और अच्छे मार्जिन से जिता के भेजेंगे आपके, ऐसा सिद्ध कर देंगे कि कोई है। उन बाबूजी का क्या है, महेंद्र प्रताप जी का सबसे बड़ी बात क्या है, वो फूड मिनिस्टर रहे थे, साफ छवि के आदमी, बेदाग आदमी है। अब से पहले तो हमें लग रहा था कि माहौल एक तरफा है, मगर महेंद्र प्रताप जी के आने से सारा कुछ माहौल चेंज हो गया। आप गांव में नो, विधानसभा में जाके देखो, कहीं भी देखो, सारे के सारे पूर्व विधायक, पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री सब उनके साथ लगे हुए हैं। सिर्फ एक विश्वास की उससे, यानी कि महेंद्र प्रताप जी हमें कोई खाने को दे रहे हैं या वो कोई वो कर रहे हैं, मगर भ्रष्टाचार की सरकार है, कोई बिना पैसे काम ही करके राजी नहीं। अफसरशाही में क्या है, अफसरों को डर ही नहीं है,
कोई डर ही नहीं अफसरों को। आप कहीं भी डिपार्टमेंट में चले जाओ उनको जरा भी नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे देख लो आप कमेटी में क्या हाल हुआ है। 20,000 रुपये चाहिए इन्हें प्रॉपर्टी आईडी को सही करने में। मेरी ज़मीन मैं मालिक और 20,000 रुपये मैं ही दूँ, ये क्या मतलब है आप बता दो। ये गुंडागर्दी किसकी है, सरकार की नहीं है तो ये सरकार ही तो करवा रही है। कर्मचारी किसके तहत काम कर रहे हैं, सरकार के तहत काम कर रहे हैं। आम आदमी भाई साहब मेरी ज़मीन, फिर 100-100 गज के प्लॉट है उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, डीलरों का काम है वो सब रहा ठप। 100-100 गज की प्लॉट की जो रजिस्ट्री बंद कर रखी है वो स्टेट सरकार, ये स्टेट नहीं तो कर रखी है, ये किसी और ने कर रखी है। लेकिन चुनाव तो लोकसभा का है ना, चुनाव लोकसभा का है तो ये लोकसभा पे तो असर पड़ेगा ही भाई साहब। जब जनता दुखी रहेगी तो लोकसभा कौन सी अलग है, पहले विधानसभा है फिर लोकसभा है। नाम क्या आपका? विजेंद्र। विजेंद्र जी क्या माहौल है, किसको टिकट, किसको वोट देंगे आप और क्या सोचकर वोट देंगे? मैं कांग्रेस को वोट दूंगा जी। कांग्रेस को वोट देंगे, नाराजगी किस बात को लेकर? मोदी से लड़ाई नहीं मेरी, गुजर से लड़ाई है। पंचायत को गोद में रखा पंचायत को, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा। आप क्या पंचारी से हैं? हाँ। कोई काम नहीं हुआ पंचायत और तू बसरा में उससे माइक लूट लिया था, इतनी उसकी बेइज्जती कर रखी है फिर भी वो जबरदस्ती घुसे जा रहा है। हाँ वोट लेने के बाद और लोग हैं हमारे साथ बात करते हैं उनसे जी। नाम क्या है आपका? सिंग्राम। सिंग्राम कहाँ के रहने वाले हो? गांव अमराला। क्या करते हो? ई रिक्शा चलाता हूँ। वोट दोगे? वोट बनी हुई है। किसको वोट दोगे? कांग्रेस को। क्यों? योगी क्या कहें, 400 से 1,000 पे सिलेंडर पहुँचा दिया, 35 का तेल था वो 105 पहुँचा दिया, डीजल 40 था वो भी 80-90 पे पहुँचा दिया। मजदूर आदमी क्या था नहीं झेले, सब चीज़ महंगाई कर दी। आटा था 18 रुपये किलो, 30 पहुँचा दिया। बताओ मजदूर आदमी क्या करे, यही आटा ही बचता है मजदूर आदमी पे। तो लेकिन ये तो केंद्र सरकार की नीति है, कृष्ण पाल गुर्जर का उसमें क्या हाथ हो? ये तो बीजेपी सरकार आई है जब से महंगाई बढ़ी है ना, बीजेपी सरकार जब से आई है 10 साल से, जब से महंगाई बढ़ी है। पहले नहीं थी जब कांग्रेस के राज में, 400 सिलेंडर था और 400 पे तो 1,000 पहुंच गया, 35 डीजल था 35 पे थे 105 पहुंच गया। 35 तो नहीं था, ज़्यादा था। हाँ 35 के लगभग था, 35-40 45-50 के आसपास। तो 45-40 में बहुत कम ज़्यादा हो जाता है ना, 105 हो गया। ये तो बहुत, CNG भी काके में 40-45 थी और CNG भी 83 रुपये किलो पहुँच गई। बहुत महंगाई कर दी जब से बीजेपी आई है, जब से बहुत महंगाई हो गई है। आज चप्पल पे भी DST लगा रखी है, आजकल 200 रुपये किलो सेब बिक रहा है, 50 रुपये किलो सेब बिक रहा था वो 200 रुपये किलो बिक रहा है। मजदूर आदमी कहाँ से खाए बताओ। और लोगों से बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं वोट देने के लिए? मुद्दे क्या, सरकार काम करेगी उसको वोट बढ़िया देंगे हम। आपकी नज़र में कौन बेहतर काम कर रहा है या कौन काम कर सकता है, आप किसको वोट देने वाले हैं? ऐसा जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट देंगे हम। नहीं तो आप 10-12 दिन का समय रह गया, सोचा तो होगा ना? वो बात तो ठीक है, हमारे कृष्ण पाल गुर्जर भी सही है, वैसे बेस्ट है, वैसे भी काम करता है, वैसे भी हो ऐसी कोई परेशानी नहीं है कोई ऐसी कोई, पर थोड़ा सा महंगाई तो है ही, जो जनसंख्या बढ़ेगी उस प्रकार से महंगाई होगी, होनी होनी है। ठीक है जी, जो जितना आदमी खर्चा बढ़ेगा खर्चा तो बढ़ेगा, तनख्वाह तो बढ़ेगी उनकी, तनख्वाह तो बढ़ेगी उनकी, सरकार पैसा कहाँ से देगी, पब्लिक से निकाल देगी वो तो बताओ। जैसे अब 85 84 रुपये 55 पैसे लीटर CNG है, आज से 4 साल पहले 44 रुपये 46 पैसे CNG थी। ठीक है रोडों में पैसा लगा, 4 साल में दोगुने दाम हो गए, दोगुने दाम हो गए। हाँ जी दोगुने दाम हो गए, लेकिन आपके हिसाब से ठीक है? ठीक चल रहा है बिल्कुल। ओके ठीक है। और लोग भी हमारे साथ जी। अंकल जी कहाँ से हैं आप? कौन से गांव से हैं? मैं बोल रहा है भाई। कौन से गांव से हैं वो तो बताओ। ये नंगला था तो खटला चला है हमारा। अच्छा किसको वोट दोगे? वोट अभी कोई पता नहीं है, अभी कोई पता नहीं। घर में क्या बात हुई? अभी ना हुई कुछ भी, कोई बात नहीं अभी। चलो और लोग हैं उनसे बात कर दी। नाम क्या आपका? मनीष नाम है। मनीष जी क्या करते हैं आप? ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके वोट देने के लिए? हम तो बीजेपी को ही देंगे जी वोट। बीजेपी को देंगे। बीजेपी राज में सबसे बड़ी तो जी गुंडागर्दी खत्म हुई है, रिश्वतखोरी भी पहले से कम है, और महंगाई तो जी सब जगह बढ़ती आ रही है, महंगाई तो समय के हिसाब से बढ़ेगी भी, और बाकी तो बीजेपी को वोट देंगे जी। नाम क्या आपका? गोविंद राम। गोविंद जी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आप? होटल में रहता हूँ जी। क्या करते हैं आप?
मैं मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी तो नहीं लग रही आपकी? मजदूरी करते हैं जी। अच्छा, वोट किसको देने वाले हैं? कांग्रेस को। क्या वजह है? बीजेपी सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है, गरीब मजदूरों का धंधा बिल्कुल बंद कर दिया। कहते फैमिली आईडी एक ऐसी बीमारी चला दी है, गरीबों को जो मदद मिलती थी ना, चाहे कन्यादान है, चाहे मकान अनुदान है, या और कोई स्कीम मिलती है, जो फैमिली आईडी वेरीफाई नहीं होती है, किसी को कन्यादान नहीं मिलता है, ना मकान के पैसे मिलते, राशन कार्ड कट जाते हैं, किसी का राशन कार्ड किसी के साथ में जोड़ दिया जाता है। कांग्रेस सरकार ही गरीबों की देसी है, बीजेपी सरकार तो जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजी ज़्यादा है, पब्लिक के काम कम होते हैं, झूठ झूठ ज़्यादा है। मतलब 10 साल में कोई काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ जी सब, ऐसा तो नहीं हो सकता जी सब। पहले बोला था 15-15 लाख आएंगे, 15 पैसे भी नहीं आए किसी खाते में, अगर आए हो तो बता दो आप। नहीं, आप कह रहे हैं 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ काम नहीं हुआ, क्या काम हुआ? कोई डेवलप हुआ है बता दो, देख लो सड़क देख लो आप, ये इधर देख लो, यहाँ कोई सड़क देख लो, कोई पानी नहीं है, कोई सीवर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब बीजेपी सरकार भ्रष्ट लोगों की सरकार है, झूठे जुमलेबाज कुछ नहीं है। जो जो हितैषी गरीबों की कांग्रेस हो सकती है, वो बीजेपी नहीं हो सकती। हो तो ये थे हमारे साथ जो होडल की जनता और इनके अलग अलग लोगों के मन हैं। लोग कुछ लोग बीजेपी को बेहतर बता रहे हैं, बेहतर काम करने वाला बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके राज्य में गुंडागर्दी कम हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के पक्षधर हैं या जो कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, वो जनता कह रही है कि महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारे ऐसी स्कीम्स लागू हो गई हैं जो गरीबों के लिए सही नहीं है। इसी के साथ जो है जो होडल का हमारा विधानसभा क्षेत्र की लोगों की जनता की राय थी, वो हमने सामने रखी है आपके। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।